Caliban, welcome back to the channel. And I hope कि आपने bull market का पूरा फायदा उठाया हो. And let me know अगर आपने इस price point पे entry मारा हो, क्योंकि अगर आपने entry point मारा है 9.5 या 9 के आसपास, so of course आप अच्छा feel नहीं कर रहे होंगे. But otherwise हो सकता है आपने अच्छा खासा profit किया हो bull market में. And especially you know एक चीज़ में ये cycle मैंने share किया था बहुत पहले, और अगर आपको ये cycle याद हो या फिर आपने videos में देखा हो तो exactly ऐसा ही हुआ है. एंड काफ़ी लोग ने green का काफ़ी फ़ायदा उठाया है, उन्होंने USDT में convert किया है, cash out किया है, और they are again ready for the bear market. And I think काफ़ी लोग expect कर रहे हैं. So let me know आपने पिछले bull market में जो छोटा सा था उसमें आपने profit किया है या फिर किसी price point पे आके अटक गए हो 9 पे. एंड विल टॉक अबाउट कि ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, ये साइकिल क्यों होता है, ये मैनिपुलेशंस क्यों होता है, ये मार्केट साइकिल क्यों चलता है, स्पेशली जो नए लोग हैं उनको किस बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. यू नो हम लोग बोलते हैं कि जो अटेंशन है बिटकॉइन का, नए लोग कैसे एंट्री मारते हैं जब बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती है, क्योंकि ऑफकोर्स सबको प्राइस ही एक अट्रैक्ट करता है, प्रॉफिट अट्रैक्ट करता है. बट सबसे प्रॉब्लम ये है कि जो नए लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता मार्केट का कि एंट्री में जाना कब है और जाना है तो कौन सी स्ट्रैटेजी से जाना है. तो उन सब बातों पे मैं थोड़ा डीप में जाऊंगा आज, ताकि यू नो सभी को थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन पास आउट हो जो नए लोग हैं उनके लिए भी और जो पुराने लोग हैं. आई मीन इट्स ऑलवेज गुड टू हैव दिस काइंड ऑफ रिविजन, क्योंकि हम लोग एक्चुअली इट्स नॉट दैट कि हमको ये सब सारी चीज़ें पता नहीं है, हमको पता है बट हम भूल जाते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमेशा याद रहे. सो लेट मी नो एंड आप कैसे हो. एंड ऑफ कोर्स ये कोई फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी जो नॉलेज है वो शेयर कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और उसको आपको एज अ फाइनेंशियल एडवाइस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है. आपने देखा है कि क्रिप्टो करेंसीज बहुत ही रिस्की है, स्पेशली अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो बहुत सोच संभाल के करो. इंटरनेट पे किसी से एडवाइस मत लो बिल्कुल. एंड ऑनलाइन स्कैमर्स बहुत हैं, उसे डेफिनेटली बच के रहो. कोई भी आपको मैसेज कर देगा मेरी फोटो लगा के टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, एंड मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ कैमरे के सामने आपसे बात करता हूँ, आपको पता ही है. एंड वेलकम बैक, हाउ आर यू, ऑसम. एंड डोंट फॉरगेट टू ट्रेड ऑन कॉइन DCX गाइस. आई नो कि काफ़ी लोग नए स्टार्ट हो रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट कॉइन DCX, क्योंकि यहाँ पे आप 10 रुपीज का भी बिटकॉइन बाइंग कर सकते हो. और मैं बताऊँगा, मैंने ट्वीट भी किया था इनफैक्ट आज. सो अगर आपने साइन अप नहीं किया तो कॉइन DCX पे जाओ, 100 रुपीज़ का बिटकॉइन मिलता है यार, 110 रुपये का बिटकॉइन मिलता है, वहाँ से बाय करो, स्टार्ट करो. एंड अगर आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, तो आप यहाँ पे 200 प्लस क्रिप्टो करेंसीज में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो कॉइन DCX पे. तो अगर आपने साइन अप नहीं किया है प्लीज़ साइन अप यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. ऑसम, लेट्स गो इनटू द चैट. एंड या बाय द वे गाइस, डिड यू सी दिस ट्वीट? बाय द वे लेट मी नो, अगर आप ट्विटर पे होगी नहीं, और ट्विटर पे नहीं हो तो प्लीज़ आओ ट्विटर पे. ट्विटर पे आओ, बहुत सारा वहाँ पे बातें होती हैं. एंड मैंने ट्वीट किया था, प्राइस हैज़ ग्रोन अबाउट 30% जस्ट इन अ मंथ, एंड आर यू प्रिपेयर्ड इफ बिटकॉइन ड्रॉप्स बाई 40% ओवर नाइट? ना आप लोग में से कुछ लोग को बोलोगे कि यार शिव, मतलब आपको पता था कि 40% ओवर नाइट ड्रॉप होगा? मुझे नहीं पता था, और ये 40% ड्रॉप भी नहीं हुआ, अराउंड 15% ड्रॉप हुआ है. ये मैंने ऐसे ही ट्वीट किया था क्योंकि मुझे पता है कि ये ड्रॉप डंप तो आने वाला है, हालविंग के पहले या हालविंग के बाद. हालविंग के एक दिन पहले आ गया वो अलग बात है, बट मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसे ही ट्वीट किया था. और 93% लोगों ने बोला यस वी आर प्रिपेयर्ड, अगर 40% भी ड्रॉप होता है सो वी आर ओके. एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी हमको पता नहीं है. आई मीन मार्केट अभी एक यू नो चालू हुआ है, इट कैन इवन ड्रॉप मोर. सो मैं तो प्रिपेयर्ड हूँ, इनफैक्ट यू नो आई थिंक इट्स नथिंग, अभी तो स्टार्ट हुआ है, इट कैन गो इवन डीपर, आई थिंक सो. बट लेट मी नो आपको क्या लगता है कि और डीप जाएगा कि नहीं. Awesome, let's start. शिव भाई, आपने फर्स्ट BTC में कब इन्वेस्ट किया था? 2016. ओके ग्रेट. सो लेट्स सी, सदाशिव कैसे हो? मेरी आवाज़ आ रही है? मैं सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? सब कुछ. सलमान पाशा, हाउ आर यू? ये कोई सा कॉइन का भलता कॉइन के बारे में कभी नहीं सुना मैंने यार. मोहम्मद रफीक, आई थिंक आई रिमेंबर यू टोल्ड मी 2000 कैन टच बाय सम बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट. आई डोंट नो यार, 2800 इज बहुत ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट. आई डोंट थिंक इतना जाना भी चाहिए, क्योंकि फिर माइनर्स प्रॉफिट में नहीं होंगे यार. सोचो हालविंग आ रही है एक दिन में हालविंग आ रही है, बिटकॉइन माइनिंग रिवॉर्ड कम हो जाएगा भाई, उतना 2800 पे ढकेल दोगे
तो माइनर्स क्या करेंगे बेचारे, प्रॉफिट कैसे होगा इनको? 2800 इज नॉट अ गुड प्राइस, एनीथिंग अबाउट 6000 इज अ गुड प्राइस फॉर माइनर्स ऑल्सो। आई थिंक 5000 टू 6000 के ऊपर होना चाहिए मिनिमम, ताकि माइनर्स प्रॉफिटेबल रहे। बट या मैं शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म में जा भी सकता है। उम्मीद हाउ यू लखविंदर अलुमुद्दीन क्या बोल रहे हो, वी डोंट नो यार। कौशिक भट्टाचार्य जी, संकी आर क्षितिज, सुनीता ओजीएन क्वाइन नहीं सुना है, मास्लो अब्राहम, द मार्केट इज बीइंग मैनिपुलेटेड बाय व्हेल्स। एब्सोल्युटली आई थिंक उस पर मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ कि व्हेल्स कैसे मार्केट ड्राइव करते हैं। सो बाय द वे, हु इज़ अ व्हेल? ओके, इनफैक्ट मैं बता ही दूँ कि व्हेल किसको बोलते हैं, जस्ट इन केस, जस्ट अ रिमाइंडर। सो व्हेल्स किसी मछली का नाम ऑफकोर्स है, बट मार्केट्स में व्हेल्स उसको बोलते हैं, स्पेशली बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट में व्हेल्स उसको बोलते हैं जो जिनके पास अराउंड 1000+ बिटकॉइंस हो। ओके, 1000+, आई थिंक 1000+, आई मीन 10,000 भी हो सकता है, बट आई थिंक इट्स 1000+ मिनिमम शुड बी कॉल्ड एज व्हेल। इट कैन बी 10,000+ बिटकॉइंस ऑल्सो। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि व्हेल शुड, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये कोई सिंगल पर्सन है या फिर ऐसा है, नो ऑफकोर्स ए सिंगल पर्सन कैन ऑल्सो बी, बट इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रुप, राइट? आई मीन ये ग्रुप में भी काम किया जा सकता है ये जो व्हील वाला। आई मीन काफ़ी लोग अगर लेट्स से अगर ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिटकॉइन होल्डर मिल जाएं और ये ग्रुप भी फॉर्म, एक तो व्हेल ग्रुप भी हो सकता है, इट्स नॉट दैट कि एक ही बंदा कर रहा है। एंड मे बी जैसे जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हम लोग ने एक बड़ा इन्वेस्टर का नाम सुना है, हेज फंड। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने किया है कि नहीं किया है, एंड ऑफकोर्स यू कॉन्ट जस्ट ब्लेम एनीबडी, बट आई एम सेइंग कि इट कैन बी अ ग्रुप ऑल्सो, इट कैन बी अ सिंगल पर्सन, इट कैन बी अ ग्रुप। सो ये व्हेल होते हैं जो स्पॉट मार्केट पे मार्केट को, बिटकॉइन के प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, उसका फायदा लेवरेज मार्केट में उठाते हैं। और आई मीन कई तरह के मैनिपुलेशंस होते हैं, सिर्फ एक तरह का मैनिपुलेशन नहीं होता है, बहुत सारे मेथड है प्राइस को मैनिपुलेशन करने का, मार्केट को मैनिपुलेशन करने का। बट एक जो बहुत फेमस है वो ये है, स्पॉट आप लेवरेज ट्रेडिंग पे पोजिशन लो और बाद में स्पॉट ट्रेडिंग पे आप मार्केट प्राइस को मैनिपुलेट करो और उसका फायदा लेवरेज में लो। सो यस, आई मीन यू हैव टू बी केयरफुल, आई मीन दिस इज एब्सोल्युटली व्हेल्स, क्योंकि इतना अदरवाइज आपको लगता है कि इतना क्विकली बिटकॉइन 30% राइज हो गया। आपको पता ही होगा कि इनफैक्ट कुछ एक महीने पहले, राइट, नॉट एक महीने पहले, बट लेस देन 60 days, अराउंड 45 days, बिटकॉइन के प्राइस, सो जस्ट इन केस, आई मीन ये मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट इन केस, आई मीन आई एम श्योर यहाँ पे आप लोग लेट मी नो, जैसे मैंने बताया था कि आपने क्या प्राइस पे एंट्री मारी होगी कल परसों, क्योंकि काफ़ी लोग ट्रेड कर रहे थे। ऑफकोर्स जो स्मार्ट लोग थे उन्होंने एक बार प्रॉफिट लेके साइड में हो गए, बट काफ़ी लोग आई थिंक कल भी एंट्री मारने की कोशिश कर रहे थे, परसों भी एंट्री मारने की कोशिश कर रहे थे। और अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आई एम श्योर आपने एंट्री लिया है कुछ 995 के रेंज में एंट्री लिया होगा आपने। और फिर मैं आपको रिमाइंडर देना चाहूँगा, आई मीन काफ़ी लोग पैनिक करेंगे, यू नो स्पेशली नए लोग, आई मीन जो डोंट फॉरगेट कि इनफैक्ट जस्ट इन लेस देन 60 days, आई मीन 2 महीना भी नहीं हुआ, आपको पता है आज 10 तारीख है, 10 मई है, राइट? सो 13 मार्च को प्राइस क्रैश हुआ था बहुत बुरी तरह से, आपको पता है ना, 4000 चला गया था, 4000, और कितना बड़ा रिकवरी हुआ, सोचो 4000 लोग, कितने लोगों ने डंप भी किया 4000 में। आई मीन सबसे, यू नो सबसे बुरी बात यही होगी कि पैनिक में आके अपने बिटकॉइन सेल कर देना, जो बिटकॉइन सेल कर देना है वुड बी द वर्स्ट थिंग, यू नो यूजली एज एन एक्सपीरियंस आई एम सेइंग। इमेजिन, सोचो जिन्होंने 4000 या 5000 6000 पे अपने बिटकॉइन बेच दिए, भले लॉस में बेचे हों, उनको फ़ायदा नहीं मिला जब 10000 पे गया था बिटकॉइन, राइट? क्योंकि वो पैनिक हो गए, उनको पेशेंस नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि मार्केट साइकिल काम करती कैसे करती है। प्राइस गिरा 4000 5000 पे, उन्होंने डंप कर दिया, ना तो उनके पास बिटकॉइन है और लॉस में भी चले गए, तो उनको फ़ायदा नहीं मिला 10000 का। जो होल्डल करके बैठे रहे उनको 10000 का फ़ायदा मिला, राइट? सो मैं इसके लिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आई एम श्योर काफ़ी लोग ने कल 9295 जो भी एंट्री मारी होगी, और उनका आई मीन दे विल नॉट फील गुड यार मैं क्यों लॉस में हूँ, बट आई थिंक इट जस्ट द मार्केट साइकिल। आई थिंक कि मार्केट वापस रिटर्न आएगा, आई डोंट नो कि कब आएगा, कितना आएगा, बट यूजली मार्केट विल रिटर्न। एंड इफ़ यू हैव पेशेंस, यू नो ये साइकिल याद रखनी चाहिए आपको, ग्रीन आती है, फिर लोग जो व्हेल्स होते हैं टेक प्रॉफिट होते हैं, फिर डंप्स होता है मार्केट,
फिर मार्केट डाउन हो जाता है, फिर बाय द लो अगेन एंड अगेन. आई एम टेलिंग यू, काफ़ी लोग जिसका मैं बता रहा था कि ग्रुप में चैट कर रहे थे USDT, उन्होंने USDT रखा हुआ था. इनफैक्ट वो लोग वेट कर रहे थे कि मार्केट डंप हो और मैं फिर से एंट्री मारूँ. एंड मे बी दे आर स्टिल वेटिंग, क्योंकि मे बी बिटकॉइन प्राइस विल स्टिल और भी नीचे जा सकता है, तो वो लोग वेट कर रहे हैं. सो वंस ये आपको एक बार समझ में आ गया, आई मीन ये एक बार नहीं, कितनी बार रिपीट हुआ है क्रिप्टो मार्केट में, राइट? तो आई थिंक 10,000 तो अभी रेजिस्टेंस बन गया है. जितनी बार भी पंप होता है बिटकॉइन, 10,000 को टच करता है, उसके बाद वापस क्रैश हो जाता है. तो यहाँ पे वो लोग डंप होने के बाद यहाँ पे बाइंग करते हैं, फिर वेट करते हैं पंप होने का, फिर यहाँ पे ग्रीन होने के बाद उसका प्रॉफिट लेते हैं. एंड जो होल्डर्स हैं होल्डल करते रहते हैं. तो दो कैटेगरी है, एक ट्रेडिंग की कैटेगरी है, एक होल्डिंग की कैटेगरी है, और तीसरी चीज़ वो है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग. तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं तो आई मीन इट डजेंट मैटर, जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे भी बाय करते हैं, 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 क्योंकि उनका मकसद शॉर्ट टर्म है ही नहीं, उनका मकसद लॉन्ग टर्म है. उनका मे बी 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल का गोल है. एंड आई थिंक वो गोल भी सही है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे हिस्टोरिकली आप देखोगे, अगर 3 साल का रिकॉर्ड देखोगे या 5 साल का रिकॉर्ड देखोगे, तो आपको ये ट्रेंड दिखाई देगा, आप ट्रेंड दिखाई देगा, राइट? सो लेट्स सी, काफ़ी कुछ है शेयर करने के लिए, क्या क्या बोलूँ मैं. ओके एनी वे, मैं चैट में एक बार आ रहा हूँ, आप लोग क्या बोल रहे हैं, एंड देन आई विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ इट. मेरे को बताओ, इज इट मेकिंग सेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मार्केट साइकिल के बारे में बता रहा हूँ, डज इट मेक सेंस टू यू? आपको लगता है ऐसा कुछ होता है, या फिर मैं कुछ भलता ही बोल रहा हूँ, और क्या आपको आप रिलेट कर पा रहे हो जो मैं मार्केट में बता रहा हूँ, जो हिसाब से मार्केट चलती है? क्योंकि आई थिंक इसका एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है. काफ़ी नए लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, और यही मैंने ट्वीट किया था कि जो इट्स सो अनफेयर, नए लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो में आते हैं, उनको पहले दिन या पहले हफ्ते में उनको कमाना है, 10 दिन में कमाना है, उनको पहले महीने में ही उनको कमाना है. इट्स सो अनफेयर, आपको पता ही नहीं था बिटकॉइन क्या है, और आपको ऑल ऑफ अ सडन किसी ने बताया बिटकॉइन क्या है और कैसे काम करता है, क्रिप्टो क्या है कैसे काम करता है, और आप आज एंट्री मार रहे हो और 3 दिन में आपको प्रॉफिट होना चाहिए, 7 दिन में आपको प्रॉफिट होना चाहिए, 1 महीने क्या. कुछ भी एक्सपेक्टेशंस, राइट? सो वही मैंने बोला कि बॉस, अगर कोई भी नया बंदा आता है तो उसको एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए. तो सबसे पहली बात, आपको बहुत सारा टाइम सीखने में जाता है, उसके बाद आपके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, सो आई मीन यू कॉन्ट एक्सपेक्ट विदाउट, इट्स अ हार्ड वर्क गाइस. आई मीन काफ़ी लोगों को लगता है कि बिटकॉइन एंड क्रिप्टो बहुत ईजी मनी है, नो दिस इज़ द प्रॉब्लम, राइट? दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. एंड ऑफकोर्स ये सब मैनिपुलेशन ये सब तो है ही, बट मोस्ट पीपल थिंक कि दैट क्रिप्टो इज़ एन ईजी मनी. उनको लगता है क्रिप्टो इज इक्वल टू ईजी मनी. इट्स नॉट ईजी मनी बॉस, इट्स नॉट ईजी मनी, इट्स लॉट ऑफ वर्क. आप सोचो आप लोग कितना, एंड ऑफकोर्स मैं, हम लोग कितना स्टडी करते हैं, कितना हम लोग रिसर्च करते हैं, कितना हम लोग एनालिसिस करते हैं, कितना हम लोग मन और जान लगा के रखते हैं, तब जाके क्रिप्टो में आपको प्रॉफिट होता है, राइट? इट्स नॉट एन ईजी मनी. सो आई एम नॉट श्योर, बट लोगों को ऐसा लगता है क्रिप्टो इज एन ईजी मनी. इट्स नॉट मनी, इट्स नॉट ईजी मनी, इट्स नॉट इवन हार्ड मनी, बट इट्स जस्ट दैट इट टेक्स टाइम. ओके देखो, ये कोई तो है यहाँ पे 50 बार यहाँ पे लिख रहा है, उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा. देखो अभी मैं कैसे ब्लॉक करता हूँ, 50 बार लिख दिया बंदे ने यार, मतलब क्या तुम्हारा ही कॉमेंट रहेगा यहाँ पे? ओके एक बार मैं चैट में देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ. लेट्स सी, I am per ripple 15, I am ripple at 15.88. सर WRX का क्या होगा? ऑल्ट कॉइन्स हैं, अभी मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात नहीं कर रहा हूँ आज. आपको पता है कि ऑल्ट कॉइन्स और भी ब्लीड हो रहे हैं. 11% बिटकॉइन गिरा है,
ऑल कॉइन्स भी 14%, 10%, 13%, 17% सारे ऑल्ट कॉइन्स. आई मीन बिटकॉइन इज अ पायलट. गुड, आई थिंक इट्स मेकिंग सेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ. एनी वे, लेट्स मूव ऑन टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज दिस. सो हालविंग, बाय द वे गाइज, दिस इज हालविंग इज द फंडामेंटल. एंड बाय द वे, कल मैं लाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स सी कितने बजे मैं लाइव करता हूँ. तो बिटकॉइन हालविंग को सिर्फ एक दिन बचा है. अभी भी ये उतना इंटरेस्टिंग है जितना पहले था. जस्ट बिकॉज प्राइस गिर गया तो इसका मतलब ये नहीं, हालविंग का मतलब नहीं है. बहुत बड़ा इवेंट है और आपको पता है कि इसे बिटकॉइन की सप्लाई अब 900 बिटकॉइन पर डे हो जाएगी. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है और ये एक दिन में होने वाला है. सो यू नो, अगर ऐसा देखा जाए तो आई थिंक कल इतने बजे ही हालविंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ है. लेट्स सी, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ एक पॉडकास्ट करने की जिसको आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर सको और आपके सवाल. एंड इट्स सॉर्ट ऑफ अ हालविंग पार्टी, बट लेट्स सी, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कि कितने बजे हालविंग होता है. यूजली मैं एक घंटे पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ. सो लेट्स सी क्या होता है. तीसरी चीज़ जो हमको शेयर करना था, लेट्स सी, या आई थिंक ये चार्ट तो मैं आप लोगों से कई बार शेयर कर चुका हूँ कि यूजली हालविंग के बाद प्राइस, हालविंग के पहले मार्केट का प्राइस बढ़ा है बिटकॉइन का प्राइस, एंड उसके बाद क्रैश हुआ है. सो ये दो बार हालविंग जो 2012 में हुआ था और 2016 में हुआ था, यही पैटर्न अपने को देखने को मिला था. और आई थिंक कहीं ना कहीं ये तीसरी बार भी यही अपने को पैटर्न देखने को मिला है. तो हालांकि ये जो क्रैश है एक दिन पहले हुआ है, बट उतना ही फ़र्क है. बट आई थिंक 90% लोग ये क्रैश एक्सपेक्ट कर रहे थे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक महीने में इतना बड़ा ग्रोथ होना, 30% ग्रोथ होना इतनी तेज में, तो आई थिंक आप खुद समझदार हो कि ये मार्केट तो ये टर्न लेना ही था. तीसरी चीज़, अब मैं ये बताऊंगा कि फंडामेंटल्स क्या है. सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग ट्रेंड देखेंगे, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ. एक महीने के चक्कर में पड़ोगे, दो महीने के चक्कर में पड़ोगे, तीन महीने के चक्कर में पड़ोगे, तो यही सब होने वाला है. बट अगर लॉन्ग टर्म में आप देखते हो, सो फॉर एग्जांपल, लेट्स सी, लेट्स गो बैक टू 2012, पता नहीं इनके पास डेटा है कि नहीं है, 2013 तक का डेटा है आई गेस. या सो ये वाला देखो, ये वाला ट्रेंड, ओके, ये ट्रेंड देखो, ओके, ये वाला ट्रेंड देखो. तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, पिछले 5 साल या 6 साल या 7 साल का ट्रेंड है. ये देखो बिटकॉइन का प्राइस $100, $129, $85, एंड देन ये देखो ये ट्रेंड, ठीक है. तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है. आई थिंक मेरा जो मानना है, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में जो बिटकॉइन का पोटेंशियल है वो बहुत ही अलग है. वो काफ़ी लोग निगलेक्ट करते हैं और उसके यू नो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में काफ़ी लोग लॉस कर देते हैं अपना BTC. तो यूजली जो मेरा फंडामेंटल्स रहता है कि यू नो डोंट ट्रेड अनलेस एंड अंटिल यू आर श्योर. ये मेरा फंडामेंटल रहता है कि अगर श्योर हो कि मार्केट का प्राइस ये जा रहा है तो ही ट्रेड करो आपको लगता है. अदरवाइज आपको लगता है कि आपके BTC गवाने वाले हो, लूज करने वाले, सो डोंट ट्रेड इन द शॉर्ट टर्म, बिकॉज रियली द बिगेस्ट प्रॉफिट कम्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म. आप यहाँ पे देख सकते हो $500, $100, और यहाँ पे हम लोग अराउंड 8-9 साल के बाद हम लोग 13,000 की बात कर रहे हैं, एंड ऑल दैट. सो फंडामेंटल रिमेन्स अभी भी स्ट्रांग, स्पेशली फॉर द न्यू पीपल हु आर एंट्रिंग. एंड जैसे मैंने बताया कल हम लोगों ने कल या परसों ही बात किया कि पॉपुलर हेज फंड मैनेजर पॉल टूडर ने क्या क्या इन्होंने बताया है, क्या क्या इन्होंने पॉइंट्स बताया. आई एम नॉट सेइंग कि ही इज़ राइट और ही इज़ रॉन्ग, बट इन्होंने जो पॉइंट्स बताया है इसमें आप उसको एनालाइज करोगे तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. काफ़ी सेंस है, सेंस बनता है कि बिटकॉइन रिमाइंड्स ऑफ अ डिजिटल गोल्ड. एंड देन ही इज़ ऑल्सो सेइंग आई एम फोर्स टू फोरकास्ट माई बेट इट विल बी बिटकॉइन, बिकॉज हमने देखा है कि किस तरह से किस तरह से $1 trillion प्रिंट हो रहे हैं ये स्टिमुलस में, किस तरह से फेडरल रिजर्व काम कर रही है, किस तरह से अनलिमिटेड, नॉट सिर्फ फेडरल रिजर्व, नॉट सिर्फ US, बट बाकी के सारे बैंक्स भी, फॉर एग्जांपल जापानीज बैंक, रश यूरोपियन बैंक्स, सारे के सारे बैंक्स लगे पड़े हैं. यू नो उनको एक ही सोल्यूशन लगता है कि बॉस मनी प्रिंट करो एंड देन वी ऑल बी गुड. एंड आपको पता है कि दिस इज़ नॉट द राइट सोल्यूशन एंड दिस कैन रिजल्ट इन टू इन्फ्लेशन. सो दिस आर द फंडामेंटल्स, ये सब फंडामेंटल्स हैं बिटकॉइंस के, जिसकी वजह से बिटकॉइन क्रिएट किया गया था. एंड आई एम स्टिल बुलिश ऑन बिटकॉइन फॉर द लॉन्ग टर्म. एंड इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग न्यू पीपल, जो नए लोग हैं, आई मीन दिस इज नॉट, ये इसमें कोई गलत बात नहीं. आई मीन गूगल का जो सर्च इंजन है ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच में बोल रहा है. अगर आप पिछले 90 डेज या पिछले 30 डेज का रिकॉर्ड देखोगे
तो कैसे सब लोगों ने बिटकॉइन हालविंग को यहाँ पे गूगल किया। कहने का मतलब क्या है कि आज के मार्केट में काफ़ी लोग बिटकॉइन में एंट्री मारे हैं, आई एम श्योर नए लोग भी एंट्री मारे हैं। स्क्वायर कैश का हम लोग ने रिपोर्ट देखा था बीच में कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो स्क्वायर कैश का वो एक्चुअली बिटकॉइन के सेल्स से आया है। बट वो जो सेल्स है वो रिटेल सेल्स है, ऑफकोर्स वो लोग व्हेल्स नहीं है, वो लोग रिटेल सेल्स हैं, आप जैसे हम लोग जैसे लोग हैं। बट ऑफकोर्स तो नए लोग यहाँ पे एंट्री मार रहे हैं, ऑफकोर्स यूजर्स बढ़ रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि मनी क्या है, बिटकॉइन क्या है, फिएट मनी क्या है, ये लोगों को समझ में आ रहा है। बट ऑफकोर्स एट द सेम टाइम जैसे मैंने बताया कि मार्केट में व्हेल्स हैं जो प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं फॉर देयर ओन प्रॉफिट। बट ये व्हेल्स आज नए नहीं हैं, ये व्हेल्स बहुत पहले से हैं ऑफकोर्स, ठीक है। बट आई थिंक इनका जो इफेक्ट है अभी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, और जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे उतना ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होगा। आई थिंक क्रिप्टो लवर बोल रहे थे कुछ कि जितने ज़्यादा ये लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं उतना ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होता, तो वो एक रिस्क टू बी ऑनेस्ट मेरे मन में भी है। जब कोई बोलता है कि बिटकॉइन विल गो टू $1,000,000 एंड $100,000, तो मेरे मन में वही सवाल जाता है कि बॉस ये जो मैनिपुलेटर्स हैं, ये जो मार्केट को वो लगता है कि वो लोग उस प्राइस पे जाने देंगे? आई डोंट थिंक सो। आई मीन इट्स बीन 3 years, ओके, इट्स बीन 3 years। 2017 में गया था बिटकॉइन का प्राइस 20,000, ओके, बट 20,000 3 साल हो गया, अभी तक 20,000 बिटकॉइन टच नहीं हुआ है। क्यों टच नहीं हुआ है? मे बी बिकॉज ऑफ व्हेल्स, मे बी ये जो मैनिपुलेटर्स हैं वो लोग कहीं ना कहीं प्राइस को सप्रेस कर रहे हैं और मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल बहुत रिस्क है। इसके लिए जो बहुत बड़े बड़े प्रेडिक्शंस होते हैं कि ये जाएगा बिटकॉइन का प्राइस, वो जाएगा, मुझे नहीं पता वो सब कब होगा और कैसे होगा, आई एम श्योर उसके लिए टाइम लगेगा। बट मुझे ये डेफिनेटली पता है कि आगे जाके बिटकॉइन एक बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग एसेट पावर बन सकता है। सो दिस इज ऑल माई लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन, रिमेंबर दिस सर्कल, ये लाइफ साइकिल है ये। एंड लेट्स सी चैट में आप लोग क्या बोल रहे हो, आप लोगों का बात सुनना बहुत जरूरी है। लेट मी नो इफ इट मेक्स सेंस जो भी मैंने आप लोगों को बताया। 500 rupees, थैंक यू, चीयर्स ब्रो, मेड अराउंड टोटल 14K शॉर्ट पोजिशन, ऑसम इन फ्यूचर, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट बुलिश ऑन बिटकॉइन बिफोर, यू आर नॉट बुलिश ऑन बिटकॉइन बिफोर हल्विंग, थैंक्स। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच आरडी, थैंक यू सो मच, या थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज गुड टू हियर कि आपको प्रॉफिट हुआ, थैंक यू सो मच। बट इट्स इट यू नो द एफर्ट इज ऑल योर्स, यू नो टू बी ऑनेस्ट आई वुडंट टेक द क्रेडिट, ओके, इट्स ऑल योर एफर्ट्स, आपने एफर्ट्स किया है, ये आपकी मेहनत है, ये आपकी एनालिसिस है, ये आपकी रिसर्च है, सो द क्रेडिट गोज टू यू, बट थैंक यू सो मच फॉर द डोनेशन मैन। NSDC एसोसिएटेड क्या, जिसको नॉलेज नहीं है वो बस बाय करे और होडल करे, टारगेट सेट करे और एग्जिट हो जाए, बिल्कुल। शी ऑलवेज ट्रेड शॉर्ट टर्म एंड मेक मनी एवरी ईयर एंड प्ले लाइक व्हेल्स। नो यार स्मार्टी, आई एम नॉट अ व्हेल यार। Repetition of questions doesn't make sense, so you guys be patient and let us enjoy the stream. Absolutely. You know what? मुझे लगता है कि आपके जो comments हैं, आपके जो chats हैं, आपके जो सवाल हैं, I think उससे लोगों को बहुत मदद मिलती है. You know, that is why a chat बहुत useful है. जब मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि videos लंबी जा रही है या फिर आपकी information बस 3-4 points हैं, you know, I think वो लोग miss out करते हैं इस chat पे. वो लोग ये miss out करते हैं इस chat पे. यू नो जितनी मैं आपको, ऑफकोर्स मैं जो मेन पॉइंट्स है वो मैं कवर करना चाहता हूँ अपनी तरफ से, मार्केट में जो भी नए नए अपडेट है मैं आपको देना चाहता हूँ, और यूजली मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि हुआ क्या होगा एंड क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। बट एट द सेम टाइम आप लोग के जो चैट्स हैं, आप लोग जो सवाल पूछते हो और आपके आप जो उससे काफ़ी लोगों को सीखने को मिलता है गैस, सो वो बहुत वैल्यूएबल, ये चैट बहुत वैल्यूएबल है। सेल बिटकॉइन इन 2021 दिसंबर, मेरा ओपिनियन, क्या बात है, हम हैं बुल रन यार, एवरी बुल रन आई थिंक आपको एक थोड़ा प्रॉफिट करना चाहिए, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। तो आपके पास अगर लेट्स से आप ट्रेड भी कर रहे हो
then you have to have a two portfolio, right? So for example, okay, आपके पास एक पोर्टफोलियो रहेगा जो होल्डिंग का रहेगा, होल्डिंग पोर्टफोलियो रहेगा जिसको आप सिर्फ होल्डिंग कर रहे हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म, एंड एक जो पोर्टफोलियो रहेगा वो ट्रेडिंग कर रहे हो आप. तो दोनों का अलग अलग पोर्टफोलियो होना चाहिए, राइट? तो इससे क्या होगा कि जब भी आपको मार्केट अपॉर्चुनिटीज देती है, जब भी प्राइस शूट आउट करता है, जैसे अभी किया था 8,000 से 10,000 गया था, तो आप ये ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का फ़ायदा ले सकते हो. तो यहाँ से आप इसमें आपको प्रॉफिट होएगा, एंड फिर आप इसमें से कुछ आप इसमें डाल सकते हो, होल्डिंग पोर्टफोलियो में डाल सकते हो, या फिर कैश आउट करते हो, जो भी. बट ये दोनों पोर्टफोलियो अलग अलग होना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी लोग दोनों मिक्स कर देते हैं, बाद में लॉस हो जाता है. आप अपनी पहचान वाले का चैट रीड करते हो, हम चैट करें या नहीं? एवोल्यूशन ऑफ माइंड बॉस, मैं बता रहा हूँ. अगर देखो इन्होंने क्या किया है, आरडी ने मेरे को सुपर चैट किया. मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरे को इतना सुपर चैट दो, हालांकि मैं सारे मैसेजेस पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप समझो, अगर मैं एक एक करके ना, अगर मैं लाइन से एक एक करके चैट पढ़ने लगूंगा ना, तो ये एक घंटे की वीडियो हो जाएगी, एक घंटे की. और आपको पता है वीडियो के नीचे कॉमेंट्स कभी पढ़ा करो, जो सुबह देखते हैं ना उनको समझ में नहीं आता कि हम लोग यहाँ पे चैट करते हैं, हम लोग बातें करते हैं, हम लोग बहुत सारा सवाल जवाब करते हैं. उनको बोलते हैं अरे लंबी वीडियो है, अरे भाई चैट्स तो देखो, हम लोग क्या बातें कर रहे हैं वो तो देखो. तो वो कोई नहीं देखते हैं, इसीलिए मैं एक एक करके मैसेज नहीं पढ़ने जाता हूँ. आपको लगता है आपका इंपॉर्टेंट मैसेज है तो आप सुपर चैट कर दो ना. और मैं नहीं कहता हूँ कि आपको 500 एक सुपर चैट करना है, आई थिंक 5 रुपये का भी सुपर, खाली मेरा मकसद ये है कि मेरे दिख जाए मुझे आपका चैट, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको सुपर चैट. बाकी इसमें 30% तो YouTube ले लेता है. Where can I learn crypto trading? You can learn crypto. First of all, अबे learn what is crypto and then learn about crypto trading, and there is lot of resources available online. Yeah. $10,000 to $8,700 to now $8,000. No, BTC is crashing heavily. हाँ, 8450 पे आ गया, अभी भी crash हो रहा है. विपुल बोल रहे हैं हाउ यू गोइंग टू हैव अ पॉडकास्ट. हाँ यार, यस, टुमारो आई एम प्लानिंग टू हैव अ पॉडकास्ट. लेट सी बट कितने बजे होता है और कैसे होता है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि इसका टाइमिंग क्या हो रहा है. बट आई एम प्लानिंग टुमारो टू हैव अ पॉडकास्ट. आई मीन, इट्स लाइक अ फेस्टिव डे, राइट? सबसे बड़ा त्यौहार है बिटकॉइन और क्रिप्टो वालों के लिए. 4 साल में एक बार आता है ये त्यौहार, ऐसा ही है. विवेक वजीर, एक सेफ है कॉइन होल्ड करने के लिए? तो एक्सचेंज होते हैं, कोई भी एक्सचेंज हो, यूजली आपको एक्सचेंज पे 100% पोर्टफोलियो नहीं रखना चाहिए अपने भी. किसी ने पूछा था कि ट्रस्ट वॉलेट सही है क्या. सो इन माय नॉलेज ट्रस्ट वॉलेट सही वॉलेट है, बसरते आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी कीज वीज कैसे संभाल के रखनी है, क्योंकि वॉलेट यूज़ करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं. अगर वो आपको आता है कि प्राइवेट की कैसे रखना है, सीड वर्ड्स कैसे रखना है, तो वॉलेट सेफ होते हैं. एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक दबा के जाना, लाइक दबा दो, एंड लेट मी नो आपको क्या लगता है कि मार्केट कितना डंप जा रहा है. एंड लेट मी नो अगर आपने प्रॉफिट किया या फिर आपने पोजीशन लेके बैठे हो 9.5K. आई वुड यूजली से नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट मुझे लगता है अगर आपने कोई भी पोजीशन लिया है जो 8.5 या करंट मार्केट के ऊपर है, मे बी 9, सो आई थिंक आपको होल्ड करके रखना चाहिए. जैसे ही मार्केट आपको फिर से मौका देना देगी तो वापस आप उसको कर सकते हो. बट अगेन, नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये आपकी खुद की मर्जी है आपको क्या करना है. बट यूजली मेरे को लगता है मार्केट साइकिल फिर से आएगा, एंड ऑफ कोर्स जब मार्केट अगर डाउन जा रहा है तो आई मीन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, बट लेट्स सी, नॉट येट, क्योंकि जैसे मैंने बताया आई थिंक अभी भी ये प्राइस डाउन जा रहा है, तो कितना जाएगा किसी को नहीं पता है. यू शुड वेट इन केस अगर आपको पोजिशन लेना है, मुझे लगता है. एंड दूसरी चीज़, अगर आपने कॉइन डीसीएस पे साइन अप नहीं किया तो प्लीज़ साइन अप एंड ट्रेड. यू कैन ट्रेड मोर देन 200 क्रिप्टो करेंसीज. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. Please hit the like, guys. 30 like hai. Thank you so much. See you. Good night.